नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की देश की पांच बड़ी खबरें। दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के दो आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मुठभेड़ के बाद आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उसने भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह निवासी लुधियाना और कुलवंत सिंह निवासी लुधियाना को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसमें 6 पिस्टल और 40 गोलियां भी शामिल हैं। ये दोनों पंजाब में कई केस में वांछित हैं। विलय के बाद 2 साल बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने नए नाम का ऐलान किया है। वोडाफोन आइडिया को अब VI के नाम से जाना जाएगा। VI का पूरा नाम वोडाफोन इंडिया लिमिटेड है। बता दें, साल 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ था, लेकिन अभी तक दोनों कंपनियों को उनके नाम से ही चलाया जा रहा था। लॉकडाउन में बंद हुई दिल्ली मेट्रो 169 दिन बाद आज से फिर चल पड़ी। येलो लाइन से पहली मेट्रो 7 बजे हुंडा सिटी सेंटर गुरुग्राम से समयपुर बदली दिल्ली के लिए रवाना हुई। इधर दिल्ली पुलिस ने भी सभी स्टेशन और बाहर भीड़ प्रबंधन के लिए अपने पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी थी। कोरोना में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 42 लाख के पार गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटा में 90,802 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुंची है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सरकार की ओर से 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया था। इस नीति पर अभी भी मंथन जारी है। PM मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का प्रभाव कम होना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को, आगे ले जाने में सक्षम होगी। आप देख रहे थे सबसे तेज न्यूज। हम आपको बता रहे थे दिन की 5 बड़ी खबरें देश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।